हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका स्वागत है एमसी इंडिया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप हमारे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम देखने वाले हैं, आज सीयूटी एमसी का एग्जाम हुआ, देखते हैं कि पेपर जो था वो कैसा था, ईजी था, मॉडरेट था और किस लेवल का आया था। तो एक बात जान लीजिए, लॉजिकल रीजनिंग का जितना भी क्वेश्चन आपने देखा होगा, जो बच्चे एमसी इंडिया ऑफिशियल पर क्लास किए होंगे, उनसे सभी क्वेश्चन बने होंगे। जितने क्वेश्चन आए होंगे रीजनिंग के सभी बने होंगे, सेम पैटर्न पर हम लोग क्वेश्चन किए हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं किस किस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था लॉजिकल रीजनिंग से। और उस सभी जो क्वेश्चन आए हुए थे वो हमारे वीडियो में पड़ा हुआ है, ठीक है। प्ले लिस्ट में चले जाइए या ऐसे वीडियो खोल कर देख लीजिए, वहाँ मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, पर ब्लड रिलेशन से देख लेते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था, और फिर लास्ट में बात करेंगे क्वेश्चन का लेवल क्या था। पर हम देख लेते हैं किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ था और क्या क्या क्वेश्चन आया हुआ था। कुछ क्वेश्चन मेरे पास है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ब्लड एंड रिलेशन में क्वेश्चन आया हुआ था इस टाइप का, देखिएगा। ए प्लस बी मीन्स ए इज ब्रदर और बी, इस टाइप का क्वेश्चन होगा। अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो देखा होगा। फिर ए माइनस बी था, ठीक है। फिर ए यहाँ था डिवाइडेड बाई बी, फिर ए मल्टीप्लाई बी था, और यहाँ कुछ कुछ डाटा दिया हुआ था, और यहाँ पे कुछ डाटा दिया हुआ था, ठीक है। अलग अलग यहाँ पे, ठीक है। इस टाइप के दो क्वेश्चन आए हुए थे, ब्लड एंड रिलेशन इस टाइप के दो क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। एक और चीज़ आपने नोटिस किया होगा, हमने पॉइंटिंग वाला क्वेश्चन पढ़ा हुआ, ठीक है। पॉइंटिंग टुवार्ड्स अ गर्ल, इस टाइप का क्वेश्चन, पॉइंटिंग टुवार्ड्स अ गर्ल अ बॉय सेड, इस टाइप का क्वेश्चन हमने पढ़ा होगा, ठीक है। और वीडियो भी है, जाके आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा हो तो इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था। ये भी आपके वीडियो से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखिएगा जो सेम टू सेम आपके वीडियो से आया हुआ है, वो भी देख लीजिए। एक जगह था, ठीक है, माइनस मीन्स प्लस, क्लियर। प्लस मीन्स मल्टीप्लाई, और ये स्लाइड का सिंबल था, ठीक है, मीन्स माइनस, और इनटू मीन्स, ठीक है, यहाँ पे डिवाइड है। अब क्वेश्चन हमसे पूछा क्या था, देखिए एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको लिख रहा है, ठीक है। 4 प्लस 11 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 55, आपको बताना था। सेम यही क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। सेम इस टाइप का एक और क्वेश्चन था, आपको बताना था, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। फिर इस टाइप का एक और क्वेश्चन है जो आप देखिएगा, क्या था क्वेश्चन एक और जो आज सीयूटी एमसीए में आया हुआ है, इस तरह का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, ऑप्शन भी देख लीजिएगा। इस ऑप्शन को देख कर बनाना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो आप एक बार बनाने का भी कोशिश कर लीजिएगा कि आपका प्रैक्टिस भी हो जाए, और जो अगले साल प्रिपरेशन करेंगे उनके लिए तो बहुत बेनिफिशियल होगा, ये तो आपको ही पता है। ये चार ऑप्शन दिया हुआ था, ठीक है। ये मल्टीप्लाई है, ये प्लस है, और इज इक्वल टू, इस टाइप का क्वेश्चन था। समझ में आया, इस टाइप का हमने क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, ठीक है। मैंने कराए करावे खुद कराया हुआ है, ठीक है। कोडिंग और डिकोडिंग से देख लीजिए किस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, कोडिंग और डिकोडिंग से सेम क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, जो आया हुआ वही मैं लिख रहा हूँ। कोड एक दिया हुआ था, MANGO, ठीक है। और इसका कोड क्या लिखा हुआ था, उसमें दिया हुआ था KCLIM, और आपसे पता है क्या पूछा था, SWEE, इसका कोड आपको बताना था। इसका कोड क्या करना आपको बताना था, ठीक है। कोडिंग एंड डिकोडिंग से दो क्वेश्चन आया था, दोनों क्वेश्चन आसान था, ठीक है। दोनों क्वेश्चन आपका आसान था। एक और क्वेश्चन आया हुआ था, और ऑरेंज कोड क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है, NTYPEG, तो आपको बताना था, इसका कोड बताना था, CHILLY, ये आपसे नहीं बनेगा, बताइए बताइए आपसे बनेगा कि नहीं, कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। एक और क्वेश्चन आपको दिया हुआ था, देखिए क्या दिया था। अब ये लॉजिकल रीजनिंग का बता रहा है, ठीक है, जो हु बहू क्लास से ही आया हुआ है, ठीक है, जो हमने पढ़ा हुआ है। एक आपका ये दिया था, Z=52, ठीक है। एक Z=48, आपको बताना था रेट का क्या हुआ कोड। तो आपको पता है जेड का आता है 26 में से 200 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 52 होता है। इसको जोड़िएगा तो एक ए हो गया, 3 ए हो गया, और 20 ए हो गया। तीनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 24। इसमें 200 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 48 हो जाएगा। इसको जोड़ लीजिए कि आर कितने नंबर पर आता है, जल्दी से बता दिया। आर आता है आपका 18 नंबर पे, ए आता है 1 नंबर पे, और टी कितने नंबर पर आता है, 20 नंबर पे। तो कितना हो गया जल्दी से बताइए, 39 हो गया। 39 का डबल कर दीजिएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 78 आ जाएगा। बस इतना ही तो आपको बनाना था, क्या करना था, इतना ही बनाना था। ये क्वेश्चन आपका नंबर सीरीज से भी था, देखिएगा नंबर सीरीज का क्वेश्चन क्या था, 2, 5, 14, 57,
284 आगे क्वेश्चन मार्क था, यहाँ बताना है क्या होगा। ये क्वेश्चन आया हुआ था, समझ रहे हैं, ये क्वेश्चन भी आया हुआ था। चलिए फिर आगे देखते हैं किस किस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, और सब भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं आगे। एक आपने पढ़ा होगा, ठीक है, एक क्वेश्चन इस टाइप का था, ठीक है, इस टाइप का दिया हुआ था, मैं बना दे रहा हूँ। और फिर बॉक्स था ऐसा, ठीक है, ऐसा बॉक्स बना हुआ था, फिर इस बॉक्स में क्वेश्चन मार्क था, आपको बताना था, ऑप्शन दिया हुआ था। इस टाइप का क्वेश्चन दो आया हुआ था, ठीक है, दो क्वेश्चन आया हुआ था इस टाइप का, समझे। एक चीज़ और था इस एग्ज़ाम में, बच्चों को एक्सपेक्टेशन था कि कंप्यूटर से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, लेकिन कंप्यूटर से बहुत ही कम क्वेश्चन थे, कंप्यूटर से बहुत ही कम क्वेश्चन थे, बहुत ही कम, समझ में आ रहा है। अब चलिए हम कुछ कुछ टॉपिक आपको बताते हैं जिसे क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। आप टॉपिक लिख लीजिए किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा हुआ था, लगभग मैं आपको बता दे रहा हूँ, लगभग प्रोबेबिलिटी लिखते जाइएगा, ठीक है। एपी जीपी और एचपी से क्वेश्चन था, समझ में आ रहा है। एक क्वेश्चन ऐसे भी था एपी जीपी से, एपी मान जाए आपका समथिंग दे दिया कुछ यहाँ पर दे दिया हो, जीपी आपका समथिंग यहाँ कुछ दे दिया था, और एचपी आपको निकालना था, ठीक है। इस टाइप का दो क्वेश्चन आया हुआ था, इस टाइप का दो क्वेश्चन आपका आया हुआ था। फिर आगे देखिए किस टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। किस टाइप का क्वेश्चन आया था, अरेंजमेंट टाइप का क्वेश्चन आया था, देखिए जैसे क्या क्या देता है, फोर इंडियन दे दिया था, फोर इंडियन, टू ब्रिटिश और थ्री अमेरिकन। अब इनको अरेंज करना था सर्कुलर में, ठीक है। कभी क्या होता है, दो ब्रिटिश साथ में रहेंगे, दो ब्रिटिश साथ में रखना है, अरेंज करना है, कभी दोनों को अलग अलग अरेंज करना है कि दोनों साथ में ना हो। इस टाइप का क्वेश्चन आपका दो क्वेश्चन पूछा हुआ था, किससे, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से दो क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो ये भी अच्छा टॉपिक था जिसे क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था। फिर आगे देखिएगा, ये हो गया, हाँ, प्रॉफिट और लॉस, इससे भी क्वेश्चन था आपका। एक रेशियो का क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, ये भी आप देखे होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का भी इजी क्वेश्चन था, सबसे बन जाता, ठीक है। फिर अरेंजमेंट था, ठीक है, वर्ड अरेंजमेंट था, ये भी था, ये भी आसान था, बन जाता, ठीक है। फिर साथ साथ सेट से क्वेश्चन था, सेट था, ट्रिगो था, सेट से तो आपका इजी क्वेश्चन आया था, ट्रिगो से भी इजी क्वेश्चन था, आपसे बन जाता, ठीक है। और आपको बता देते हैं, ठीक है। अब देखिए कंप्यूटर में, देखिए कंप्यूटर में बच्चे सबको उम्मीद था कि अच्छा क्वेश्चन देगा, प्रोग्रामिंग से भी क्वेश्चन आना चाहिए था, लेकिन मैं थोड़ा एक दो क्वेश्चन बताता हूँ किस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका था बुलियन एक्सप्रेशन पूछ दिया था, ठीक है, एक्सप्रेशन था जिसमें दिया होता है ए बी प्लस ए, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट बी, आपको बताना था क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन था, एक बाइनरी मल्टीप्लीकेशन आया हुआ था, बाइनरी मल्टीप्लीकेशन, अगर बाइनरी मल्टीप्लीकेशन क्या था, ए था और आपका 001। एक और चीज़ दिया होता साइन, साइन मैग्नीट्यूड निकलना था, ठीक है, कंप्यूटर का ही क्वेश्चन था, -1001 कुछ करके ऐसे ही था, ठीक है। इस टाइप का भी आपका क्वेश्चन था, समझ में आ रहा है, इस टाइप का भी क्वेश्चन था। फिर हम लोग देख लीजिए, ठीक है, एक और चीज़ आपको बता दें, आपको कुछ जीके जीएस का भी क्वेश्चन था, जीके जीएस का भी क्वेश्चन था जिसमें बुक और ऑथर का नाम था। एक क्वेश्चन, एक टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हमको दिख रहा था, स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाला, स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिला हम लोग को, ठीक है, सीयूटी एमसीएम इस बार वाले में, ठीक है। इस हम लोग 4 to 8 क्वेश्चन इस टाइप का था, स्टेटमेंट और कंक्लूजन से, अगर आप पढ़े होंगे तो आप बनाए भी होंगे, ठीक है। वर्ड अरेंजमेंट था, डिक्शनरी वर्ड अरेंजमेंट, ये भी रीजनिंग का ही पोर्शन है, डिक्शनरी वर्ड अरेंजमेंट, इसे भी क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। ऑड वन आउट था, इसे भी क्वेश्चन था, बस लगभग इस टाइप का क्वेश्चन आपका आया हुआ था, ठीक है। और एक चीज़ जान लीजिए, रीजनिंग के लिए सबसे बेस्ट जगह है ये, ठीक है, इससे लगभग आपका रीजनिंग का अगर 10 क्वेश्चन आया हुआ था, जरूर 8 से 9, 8 से 9 क्वेश्चन आपकी इस चैनल से आया हुआ है सेम पैटर्न पर, ठीक है। चलिए फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।